गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एवरीवन टू दिस पॉजिटिव इंटरेक्टिव सेशन विद डॉक्टर परवीन कुक। आई एम एन एजुकेटर फ्रॉम द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। आई विल लाइक टू थैंक्स अभिवायरा फाउंडेशन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर व्यूज एंड ऑल ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, one of the favorite topic for us teachers. We can talk on this topic for hours. I will also thankful to one of my loving bestie friend Miss Asha Bhardwaj, who approached me for this session. She herself so motivating and have much faith on God. We both keep each other updating and positive. So you will have to say sometime, काश मैं वो समय जी पाता। तो ऐसा क्यों हूँ? वाई डोंट बी यू मोटिवेट यूर सेल्फ ऑल द टाइम? वट एवर हैपन फॉर द रीजन एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हैव अ स्ट्रांग फेथ ऑन द गॉड, थिंक इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, देन द थिंग्स विल बी वेरी वेरी इजियर फॉर यू। आई एम अ वेरी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी एंड एज पर मी I think confidence is very important. If you are confident, people will believe on you. It will helps to connect well with the others and you generally feel happy in the company of confident people. I always follow my heart and intuition and believe whatever happens, it happens for a reason by the wish of God. When we accept this thing, then we can move on our path with a more consistency. Each time we face our fear, our strength, our courage, our confidence develop by its own. Fear is what? Fear is that which we think by our own. This is a mental makeup that I have a fear for that thing. Those students, be confident. Always take the challenges. A life without a challenge is very boring. Suppose today if you don't have any task in your hand, how much long time seems to you? And if you have an exam, it seems time is running. I have to cut the time. So challenges se hi to life hai. Maja to challenge ke saath hi hai na. Jab aap log sab school jaate the, morning mein kaisa lagta tha? बस टाइम अभी भाग रहा है, मुझे बस पकड़नी है। आई हैव टू रीच द स्कूल एनी हाउ। आई हैव टू मीट माई फ्रेंड्स, आई हैव टू मीट माई टीचर्स। सेम वे वी टीचर्स आर इक्वली एक्साइटेड। बट माई डियर स्टूडेंट्स, वट हैपन इफ इट इज अ पेंडेमिक टाइम? डोंट थिंक लाइक दैट कि वी आर नॉट कनेक्टेड टू द स्कूल्स, वी आर नॉट कनेक्टेड टू अवर फ्रेंड्स। वी ऑल आर कनेक्टेड बाय अवर बूस्ट अप नेचर, बाय अवर मोटिवेशन। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ जो अभी कुछ दिन पहले ही मेरी फ्रेंड आस्था भारद्वाज मैम ने भी सुनाई थी। थिंक दैट स्टोरी इज़ वेरी मोटिवेटिंग। एक बार एक विलेज था, वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है क्लाउड्स में से कि इस सीजन में देयर विल बी नो रेन, इस सीजन में बारिश नहीं आएगी। अब सब फार्मर्स सैड हो जाते हैं। कुछ फार्मर्स चेंज देयर टास्क, उन्होंने काम ही दूसरा शुरू कर दिया। दे क्लोज द वर्क, दे क्लोज द फील्ड वर्क एंड दे स्टार्ट सर्चिंग अदर जॉब्स। फ्यू ऑफ द फार्मर्स थिंक कि वी विल हैव टू बी नथिंग टू डू, वी हैव टू बी नाउ स्लिप एट द होम। तो वो घर चले जाते हैं। लेकिन देयर इज अ फार्मर हु कीप ऑन डूइंग हिज वर्क। उसने कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करता रहा। अब वो अपना फील्ड में सुबह आता था, जो उसका रूटीन था वो वैसे ही मिट्टी के अंदर जोतता रहा। एक समय क्या हुआ, क्लाउड्स आर मूविंग फ्रॉम दैट विलेज। क्लाउड्स आपस में बात करते हैं कि हमने तो अनाउंसमेंट कर दिया था कि वी विल नॉट गिव द रेन टू दिस विलेज दिस सीजन, देन व्हाई दिस फार्मर इज वेस्टिंग हिज टाइम। तो दे थिंक कि लेट्स गो टू द फार्मर एंड देन आस्क हिम। तो सब लोग फार्मर के पास जाते हैं और वहाँ जाके फार्मर से पूछते हैं कि अनाउंसमेंट हो चुका है कि दिस सीजन यू विल नॉट गेट द रेन, देन व्हाई आर यू वर्किंग इन द फील्ड। फार्मर इज सेइंग
मैं इसलिए काम कर रहा हूँ कि मैं अपनी आर्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप को भूल ना जाऊँ. आई एम डूइंग दिस टास्क सो दैट आई विल बी इन ऑलवेज लर्निंग पोजिशन. तो सेम वे वी हैव टू डू अवर टास्क सो दैट वी विल इम्प्रूव अवर वर्जन पर डे एंड वी विल बी इन प्रैक्टिस. डोंट फॉरगेट योर टैलेंट्स. टैलेंट हैज टू बी नर्चर्ड एंड दैट नर्चरिंग कैन बी डन ओनली बाय द प्रैक्टिस. सो क्लाउड्स गो बैक एंड ऑन द वे क्लाउड्स थिंक अगर ये फार्मर इसलिए काम कर रहा है कि ये अपनी आर्ट को भूल ना जाए, ऐसा ना हो कि हम भी रेन करना भूल जाए, तब क्या होगा. तो व्हाट दे डू, दे मेक द रेन टू दैट विलेज. नाउ जस्ट थिंक ओवर इट, अगर हम लोग इस सीजन में इस COVID-19 एरिया के अंदर वी थिंक ओवर इट कि वी डोंट हैव टू डू द वर्क, तो मे बी विद द टाइम थिंग्स विल बी नॉर्मल. यू मे फॉरगेट योर आर्ट. व्हाई डोंट यू वर्क ऑन योर स्किल. वी हैव टू मेक अवर सेल्फ मोर पावरफुल एंड दैट पावर कैन कम ओनली बाय द लर्निंग्स. दैट पावर कैन बी लर्न by reading so many books, by reading the bibliography of the lot of the known persons. You can go through the lot of the YouTube channels which will be having highly motivating videos for you, but the one task which you can do is only you can do, that is your own efforts. You can do your own efforts. When you are doing your efforts, that means you are gaining per second of your life timings. And that every second is important for your own life. That is not important for anyone. That is important for your own life learnings. So, dear students, dear friends, self-confidence means strong willpower. It's a willpower that it is my path and I had to travel on this path by my own feet. When we learn this art, it will be very easier for us to do. I will again thanks to Abhivara Foundation for giving me this opportunity to be live with you all. And this topic is really interesting. When we talk on this topic, it create us a optimism. It make us positive. I always try to search positive in all what I do in my life. Because as per me, when we believe in ourselves, we can achieve any of the thing. Only need is you have to believe in yourself. Is quote ko to bhool jao, mujhse nahi hoga. Ye words to weaker words hai. ये वर्ड्स तो उनके लिए हैं जो काम नहीं करना चाहते. एक टीचर की स्टोरी आपको मैं बताती हूँ. एक मैथ्स का टीचर था, उसे अपने स्टूडेंट्स को एक सम दिया. अब स्टूडेंट्स ने, कुछ स्टूडेंट्स से लगा कि लेट्स टेक द चैलेंज. सर ने टफ दो सम्स दिए और बोला यू हैव द टाइम इन योर हैंड 10 मिनट्स एंड यू हैव टू ट्राई एंड सॉल्व दीज सम्स. One of the student who is not willing to do the work, who is lazy, close the bag and keep it away. And the other student who is motivating by the nature, who is having confidence on himself, he keep on trying the sum. And within 10 minutes, he solved that problem also. So, this is what I can do. If we have this in our mind that I can do, that means I can do. So be like that student, do the try. Try jarur karo, whether it will be done or not, that is another point. But you have to try it. Because initiation is the first step. Hum log chemistry mein bhi reactions padhte hain. To hum dekhte hain, every area of the life, initiate karna sabse tough hai. आप सक्सेस लैडर को देखोगे किसी की भी, पहला स्टेप जो होता है ना वो बहुत ऊपर बना होता है. आपको लगता है अगर मैं ये स्टेप चढ़ गया ना तो बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, लेकिन अगर आप वो स्टेप पे पहुंच जाते हो तो चीज़ें बहुत इजी दिखने लग जाती हैं, क्योंकि आपके अंदर एक सेल्फ विल पावर आ जाती है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है. इफ़ आई हैव रीच दिस टास्क,
I can reach another also. I can be more higher also. At this way, you will reach any of the success path. I will share a little story about the scientist who has searched the bulb. I have told you the name of that scientist. That scientist is Thomson Edison. Thomson Edison jo the, childhood mein, he is a very slow brain child. His teacher always says, it's tough to work with this slow brain. So, but uske parents PTM mein jaate the and they go for the feedback. तो हमें कभी भी ना फाइनल रिजल्ट्स को नहीं चेक कर लेना चाहिए फ्रॉम द वन सेंटेंस. हमें हमेशा ट्राई करना है. आपका एक रिजल्ट फेल हुआ, डोंट वरी, यू कीप ऑन अपग्रेडिंग योरसेल्फ, सेकंड पे वर्क करो. वो बच्चा भी काम करता रहा, टीचर्स भी उसे बूस्ट अप करते थे, बिकॉज वी टीचर हैव द हैबिट टू बूस्ट अवर स्टूडेंट्स इन ऑल द वे. क्योंकि हम टीचर्स को ना एक गॉड गिफ्टेड क्वालिटी होती है कि हमें मोटिवेट करना है. दिस इज अवर गॉड गिफ्टेड क्वालिटी एंड वी हैव टू बी थैंक्स टू गॉड फॉर ऑल दीज क्वालिटीज विच गॉड हैज ब्लेस अस. सो दैट चाइल्ड कीप ऑन वर्किंग एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, जब उसने बल्ब की डिस्कवरी की, ही फेस थाउजेंड ऑफ द फेलियर्स. थाउजेंड टाइम वो बच्चा फेल हुआ था, एडविन थॉमसन एडिसन. अब वो करते रहे साइंटिस्ट. एक टाइम ऐसा आया द बल्ब टुडे. तो अगर हम फेल हो रहे हैं तो उससे हमें घबराना नहीं है, उसको हमें एक पाथ का पार्ट मानना है कि ये भी एक चैलेंज है. फेल नहीं होंगे तो मजा कैसे आएगा जीत का. तो मजा लेने के लिए फेल भी हो गए तो डोंट वरी, स्टार्ट योर टास्क विद द मोर एनर्जी, पुट योर in that. Directly or indirectly, you never know, you may be the role model of anyone. Someone may be following you. कई बार एक बहुत known teacher होता है, but वो teacher unhappy होता है. उसको लगता है कि नहीं, I am not achieving anything in my life. But he keep on spreading the knowledge. My dear friends, if you are working on your path, definitely God results will in any way, but God will repay you. एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं इस पे. एक राजा था, उसने अपना खजाना ओपन करा 9 o'clock और बोला 5 बजे तक जिसको जो कलेक्ट करना है वो कलेक्ट कर ले. अब बहुत लोग आए, लाइन में लगे. एक ऐसा इंसान था जो हर बार अपनी टर्न को छोड़ देता था और सेकेंड पर्सन को आगे कर देता था, फिर से लाइन में लग जाता था, फिर लाइन बनती थी, फिर कोई नीडी पर्सन आता था, वो अपनी टर्न छोड़ देता था, उसको टर्न दे देता था. अब राजा के गार्ड इसको देख रहे थे. अब राजा के गार्ड्स ने उसको बोला कि ये आप क्या कर रहे हैं, राजा आपको अंदर बुला रहे हैं. राजा ने बोला कि अगर आपको खजाना नहीं चाहिए तो आप क्यों बार बार लाइन में खड़े हो रहे हैं. तो उसने ये कहा, राजा मैं तो वो ही कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं. उसने कहा, कैसे, आप भी खजाना बांट रहे हैं और मेरे पास बांटने के लिए टर्न है. मैं टर्न लाइन में खड़ा हो जाता हूँ और जैसे ही कोई आता है तो उसको नीड होती है तो मैं अपनी टर्न उसको दे देता हूँ. सो वट एवर यू हैव, इवन यू हैव अ सिंगल स्माइल टू गिव एनीवन, यू हैव एनी काइंड ऑफ स्किल, यू हैव एनी नॉलेज, काइंडली स्प्रेड इट, बिकॉज यू विल गेट इट रीपे इन अनदर वे. It's not always monetary gain. You will get it back in some other way. Like I am telling about that teacher. तो वो teacher जो था वो अपना काम करता रहा, उसने पढ़ाता रहा पढ़ाता रहा. तो अब क्या हुआ कि उसका जो बेटा था वो एक कंपनी में जॉब करने लगा. एक दिन वो टीचर उस कंपनी में लंच देने जाता है. जब वो टीचर वहाँ लंच देने जाता है तो गार्ड उसको बोलता है कि सर आपको बाहर वेट करनी पड़ेगी क्योंकि अंदर हमारे बॉस आए हुए हैं और अभी मीटिंग चल रही है. दैट टीचर वेट आउटसाइड. तो बड़े ग्रैटिट्यूड के साथ वो टीचर साइड पे वेट करता है. द मोमेंट गार्ड आस्क हिम कि अभी हमारे बॉस आ रहे हैं, उनकी गाड़ी आ रही है, आप थोड़ा साइड पे हो जाइए. तो टीचर साइड पे हो जाता है. अब जब बॉस की गाड़ी आती है तो वो गाड़ी वहीं पर रुक जाती है और वो टीचर साइड पे था ही,
गार्ड डर जाता है, गार्ड बोलता है यस सर व्हाट हैपेंड, तो वो सर बोलते हैं उसको ऐसे करिए, वो जो साइड पे खड़े हैं उनको बुला के लाइए। तो गार्ड भाग के जाता है और उस टीचर को बोलता है आपको सर बुला रहे हैं। तो जाते हैं सर के पास, अब वो सर गाड़ी में से उतरते हैं और उस टीचर के पैरों को छूते हैं। अब उन टीचर का बेटा, गार्ड, सब लोग बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि ये इनके पैर क्यों छू रहे हैं। अब वो बॉस बोलता है कि सर आप अंदर चलिए, और अंदर ले जाके वो बॉस कहता है सर आप मेरी चेयर पे बैठिए। अब वो उनका बेटा जो होता है टीचर का, वो बड़ा सरप्राइज जो होता है देख के कि मेरे फादर को ये इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। अब वो बॉस बोलता है सर शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। अब वो टीचर कहता है यस मैंने आपको नहीं पहचाना। उसने कहा सर मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसको आपने कभी मोटिवेट करके मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ मुझे प्रेरित किया था यस आई कैन डू, और आज आप ही की रीज़न से मैं इतनी बड़ी एक फैक्ट्री को ऑन कर रहा हूँ। आई एम द ऑनर ऑफ दिस फैक्ट्री बिकॉज ऑफ योर लर्निंग्स, बिकॉज ऑफ योर टीचिंग, बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशंस। सो दैट बॉय फील वेरी हैप्पी। टीचर बोलते हैं नहीं नहीं, बोलते हैं नहीं सर आपने तब भी कभी भी मुझसे गुरु दक्षिणा नहीं ली थी। और वो बॉस कहता है अभी आपको मेरी चेयर पे बैठना पड़ेगा, और वो अपनी पूरी टीम को बताता है ये वो वाले टीचर हैं जिन्होंने मुझे 9th से 12th तक पढ़ाया और मुझे मोटिवेट रखा एट एवरी स्टेप। मेरे मार्क्स कम भी आते थे तो भी सर एक ही चीज़ कहते थे नो यू कैन गेट मोर, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग। और सर ने अलग अलग टेक्निक से मुझे अलग अलग क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करके बहुत आवर्स दे के मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। और बेस्ट ये रहा कि इन सर ने मुझसे कभी भी आज तक फीस भी नहीं ली थी। अब वो कहता है बॉस सर नाउ यू कैन नॉट से मी नो, दिस इज़ द टाइम जब मुझे गुरु दक्षिणा आपको देनी है। तो वो टीचर कहता है नो इट्स ओके, कहता है नहीं सर आपको देनी है, आप मुझे ही बताइए, अभी आप उसी घर में रह रहे हैं। अब वो टीचर का बेटा अभी वहाँ खड़ा था, वो बोलता है हाँ उसी घर में रह रहे हैं। तो वो समझ जाता है कि बेटा थोड़ा खुश नहीं है टीचर से। अब वो कहता है सर ओके आज मैं आपको गुरु दक्षिणा के अंदर एक 3-bedroom फ्लैट की कीज़ दे रहा हूँ, और प्लीज़ आप मुझे नो नहीं करेंगे क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ सर आपके कारण ही हूँ। तो दिस इज़ द रिटर्न्स विद वी टीचर्स कैन गेट। हम टीचर्स जो होते हैं ना, हमारी एक बहुत अच्छी हैबिट होती है, हम लोग वर्क करते हैं ओनली फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द चाइल्ड। हमें अच्छा लगता है कि हमारा स्टूडेंट कुछ बने, वी फील हैप्पी बाय द हर्ट, वी नेवर रन फॉर द मॉनेटरी गेन्स। तो वट वी आर डूइंग, वी आर जनरेटिंग द कॉन्फिडेंस इन दैट चाइल्ड ओनली। टीचर इज डूइंग द टास्क ऑफ जनरेटिंग द कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेटिंग द चाइल्ड। Whatever destiny of their child, they will achieve it later or earlier. But as we are here by the God profile, we have to keep everyone motivated. अगर कोई हारा हुआ है ना, आप उसे एक बार प्यार से बोलो नहीं ये तेरी हार नहीं है, तू जीत सकता है, मैं तेरे साथ हूँ। बस इतने से words जो होते हैं ना, वो कई बार miracle कर जाते हैं। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें हम लोग कभी फेल नहीं होते, ऐसा लाइफ का कोई एरिया नहीं है जिसमें हम कभी फेल नहीं होते, लेकिन अगर आपको कोई एक भी मोटिवेटिंग पर्सन मिल जाता है लाइफ के अंदर, देन 1 and 1 become 11। आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है, यू फील लाइक दैट कि ये पर्सन मुझे पहले मिल गया होता। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल kindly, if you have this quality of confidence and motivating na, keep on spreading this quality. Pata nahi kaun si ek aasha ki kiran kiski life ke andar change la de. Be your best version. There is no age to learn. Keep learning from others also. Hum log bachchon se bhi seekhte hain aur hum log sikhate bhi hain. To aapko kabhi bhi rukna nahi hai. Keep updating yourself. एक और आपको छोटा सा अपना ही शेयर करती हूँ पॉइंट। हम लोग कई बार बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, वी फील लाइक दैट कि हमने लाइफ में कुछ नहीं पाया,
लेकिन द मोमेंट व्हेन वी फील लाइक दैट ना, गॉड डू द मिरेकल. गॉड सेंड समवन हु प्रेज फॉर यू एंड मेक यू अवेक. नो, आई एम रॉन्ग. दिस इज नॉट द एग्जैक्ट कंडीशन. आई एम फीलिंग रॉन्ग. आई एम फीलिंग माई सेल्फ रॉन्ग. इट्स लाइक दैट आई हैव टू अगेन बूस्ट माई सेल्फ. आई हैव टू अगेन डू माई वर्क विद द मोर एनर्जी. और हर फेलियर के बाद एक सक्सेस स्टार्ट होती है. एक बहुत ही लेजी पर्सन था. स्टोरीज में मज़ा आता है बिकॉज स्टोरीज से हम बहुत कुछ लर्न करते हैं. एक बहुत ही लेजी पर्सन था. उसको क्या था कि बस फूड मिल जाए, कहीं से भी मिले. अब वो कीप ऑन सर्चिंग द फूड, फूड लिया और सो गए. उसकी लाइफ में कोई और टास्क ही नहीं था. अब एक दिन उसे एक बड़ा सा फॉर्म मिलता है फ्रूट्स का और वो सोचता है ठीक है आज फ्रूट्स मिल जाएंगे एंड माई डे इज़ ओवर विद दिस. तो फ्रूट्स लेने अंदर जाते हैं, देखते हैं कोई गार्ड तो नहीं है. एंड इट सीम्स लाइक कोई गार्ड नहीं है. चलिए बहुत अच्छा है. इट्स अ वेरी मोटिवेटिंग स्टोरी. तो यू ऑल लिसन टू इट वेरी केयरफुली. स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली, वेन एवर यू फील लाइक दैट ना कि दिस पाथ इज गुड फॉर मी, डोंट गो फॉर दैट पाथ, सी द अदर फ्रंट ऑफ दैट. ओके, तो अब वो फॉर्म में घुसते हैं, कुछ फ्रूट्स लेते हैं हम और चलेंगे यहाँ से. नाउ वट ही सी दैट फार्मर इज कमिंग रनिंग फॉर हिम विद अ स्टिक. नाउ ही ट्राई टू हाइड हिमसेल्फ. सो फॉर हाइडिंग हिमसेल्फ ही रन टूवर्ड्स द फॉरेस्ट. तो ही कीप ऑन रनिंग. ही स्टे एट सम प्लेस इन द फॉरेस्ट एंड ही रेस्ट फॉर सम टाइम इन द फॉरेस्ट. ही सी दैट देयर इज अ फॉक्स बट विद द टू लेग्स ओनली. दैट फॉक्स इज हैंडी कैप एंड शी हैज ओनली. दैट पर्सन थिंक कितना टफ होगी ना इसकी लाइफ. इसके पास दो ही लेग्स हैं, ये कैसे अपना खाना अरेंज करती होगी, क्योंकि उसकी लाइफ में तो कुछ और था ही नहीं. हिज लाइफ इज ओनली टू कलेक्ट द फूड एंड मेक द डे. तो अब वो देखता है कि फॉक्स क्या करेगी. बट फॉक्स इज वेरी हैप्पी. ही इज वेरी सरप्राइज कि कुछ है नहीं, तब भी कितनी खुश है. अब ये फॉक्स की नेचर थी टू बी हैप्पी. तो ऐसी नेचर हमें क्रिएट करनी है. वट एवर इज द सर्कमस्टांसेस, वी हैव टू कीप अवर सेल्फ हैप्पी. क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हम किसी का रोल मॉडल है. कोई ऐसा है जो हमारी लाइफ को जीना चाहता है, जिसको लगता है काश मैं इसके जैसा होता. तो अगर आप खुश नहीं होंगे तो वो कैसे आपके जैसा होना चाहेगा, है ना. उसके लिए आपको हमेशा रोल मॉडल, एज अ रोल मॉडल खुश रहना है. एंड दिस इज अ नेचर. तो अब वो फॉक्स को देख के बड़ा हैरान होता है कि देखो पैर भी नहीं है, ये कैसे खाना खाती होगी और तब भी कितनी खुश है. नाउ व्हाट ही फाउंड, वन लॉइन इज रनिंग विद अ पीस ऑफ मीट इन हिज माउथ एंड टूवर्ड्स द फॉक्स. नाउ द मैन इज स्केयर्ड. ही रन टू द टॉप ऑफ द ट्री एंड व्यू द सीन फ्रॉम देयर कि हाउ फॉक्स मेक हिम herself protect from that loin. Loin is approaching the force and the man is scared at the top of the tree. But what the scene at that moment, the loin come near the fox, drop the piece of meat and go back. Now the man is very surprised ki fox ko to khana bhi mil gaya aur isne to bada aaram se na loin ne isko khaya. तो वो ऊपर पेड़ के ऊपर बैठ के सोचता है कि गॉड एवरीवन, गॉड ने जरूर सबके लिए कोई ना कोई प्लानिंग की हुई है. तो कोई ना कोई मेरे लिए भी प्लानिंग गॉड के पास होगी. विद दिस थॉट ही कम डाउन ऑफ द ट्री एंड मूव टूवर्ड्स द रोड साइड एंड सिट देयर. वहीं बैठ जाता है विद दिस होप कि समवन विल कम एंड मेक माई फूड फॉर द डे. In this way, the day has passed. He has nothing to eat. Next day again, he is sitting on the same platform with the hope that God has planned for me. Now, a saint come near that person. He asks the saint, when God is so merciful with the fox, why God is cruel to me? The saint asks, what happened? He says, he tell every story what happened in the forest. And he says, I am waiting for the food of mine destiny. So, saint give,
him some food and water and relax him and says that definitely God has some plan for you, my dear son. But आपने स्टोरी का एक व्यू देखा. स्टोरी हैज़ द टू मोरल्स. यू हैव फाइंड दैट एवरी वन कैन गेट देयर ओन डेस्टिनी फूड, बट यू हैव नॉट सीन द पार्ट विच लॉयन इज डूइंग. तो गॉड वॉन्ट यू टू बी डू द पार्ट ऑफ लॉयन. आपसे भगवान लॉयन वाला पार्ट करवाना चाहता है कि यू हेल्प अदर्स बिकॉज यू आर कंप्लीट इन यूर सेल्फ. So always be grateful to the God if you are having some skill, if you are educated, if you are having knowledge, spread it. Keep on boosting others because the God has planned some role for all of us. So God has given us the knowledge to spread that knowledge. So it's a learning from this small story that play the role. Play your profile with complete honesty. Whatever profile God has gifted you, be honest to that profile. It may be small or large model, but you are the model of that organization. You may be serving that organization, whether it's a small role or a big role, but you have to play that role with the complete dedication and complete trust. Everyone matters. एक टीम के अंदर सबके रोल की वैल्यू है. ऐसा कोई नहीं होता जिसको अगर टीम का पार्ट बनाया गया है तो उस रोल के बिना काम चल सकता है. तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए अगर मैं अपना पार्ट नहीं करूँगा तो भी काम तो हो ही जाएगा. No, it's not like that. आपका टास्क भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. आपके टास्क से हो सकता है कोई मोटिवेट हो रहा हो, कोई आपको ही फॉलो कर रहा हो. आपने टास्क बंद किया तो उसने भी टास्क बंद कर दिया. बिजन बेइंग ही इज़ द फॉलोअर ऑफ यू. आपने सोचा मैं टीम में काम नहीं करूँगा तो भी काम चल जाएगा. सेकंड पर्सन आल्सो थिंक लाइक दैट. थर्ड पर्सन हु इज़ व्यूइंग द सेकंड पर्सन ही आल्सो स्टार्ट डूइंग दिस वे. तो व्हेन नो वन विल वर्क हाउ द टीम विल डू द प्रोग्रेस. So, my dear, we all have to work whatever way we can do our task. Try to put your inputs in whatever way we can put our inputs because every input matters in the success story. Accept that. Start moving with a positive note. Do your 100% and don't compete with anyone. You do your work, you do your work with the consistency and dedication, definitely you will get the results. If you are confident, believe you will get the results. We have to learn, we have to keep us ourselves updating, but we will never leave our root values. Our moral values are equally important. जो हमारे संस्कार से ना, they are very very much important. क्योंकि the way you speak, the politeness which you carry in your language is attracting the second person. आप कभी भी कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी एरिया में चले जाओ, आप देखो आपकी बेसिक नेचर चेंज नहीं हो सकती. इफ यू आर इमोशनल, इफ यू आर हेल्पिंग बाय नेचर, definitely it's in your nature, you will help the other. Even if you think like that na ki kal se main emotions nahi show karunga, I will be my with my own, kal se main aisa nahi karunga, but you will find again that basic nature cannot be changed. So why don't we try to nurture our basic nature in a best way. So I request all the little ones, kindly follow your parents. Parents have a very very much great hopes from you all. Students or my little ones, children, you can give your parents back only in this way. Kindly follow your parents' instruction. Give value to the penny which they spend on you in either way. They spend on your education, they spend on your needs, on your facilities. Please pay attention to that penny. Give them respect back. Give respect to your
parents, your grandparents, and your teachers also. Because gratitude is one which will earn you respect in your later areas. Same way, we teachers and we parents are hereby to support you at every moment of your life. Are there to give you your shoulder. Parents always want best version of their child. No one in the world wants that their child will not be good. Everyone wants ki my child will be best in the world. He or she will deserve best in the world. But how is it possible? This is possible by our mutual concern to each other. If parents are giving attention to you, they also need your respect in back. So, self-confidence cannot be gained in a one step. It is doing you can do by having nurturing it by some techniques you have, like schools are providing these days stage or platform to the student to speak on the concerned topic. So in that way they are making you more confident. They are making you away from your fear to speak on the camera. So take every challenge as it is an opportunity. Never make it a challenge. Take it as an opportunity to do more better in your next coming days. Have a deep sense of feeling that I am blessed. Help to overcome any obstacle if anyone is facing. It gives you courage, confidence, and allow grace to flow in you. This will make you a pure personality with the time to come. God is always there to help you, but you have to make yourself self-confident by your own nature, by believing in yourself that I can do and I have to do this by anyhow. And that anyhow is by your own self-boosting, by your own motivation. For getting motivation, you can read any of the success stories. There are so many success stories through which if you go, you will find that people have not achieved anything in a single day. There are so many sleepless nights for anything to achieve. Directly or indirectly, we have to give the efforts. बहुत से लोग आपको अच्छा मानते हैं, उन्हें ignore मत करो. Faith will be on gratitude to everyone show. Teacher always want their child to be इतना अच्छा बनो, लोग आपको approach करें. अगर कोई आपके पास प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो दैट मीन्स दे हैव अ फेथ ऑन यू. लिसन टू देम. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक अच्छा लिसनिंग ईयर मिल पाता है. तो किसी को लिसन करोगे तो उसकी 50% साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट ने शेयर किया, कई बार क्या होता है प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती, जितना इशू ये होता है कि वो शेयर किससे करे ये प्रॉब्लम. अगर वो प्रॉब्लम शेयर कर ली जाए साइकोलॉजिकली 50% वो प्रॉब्लम कवर अप हो जाती है. लेकिन अब रीज़न वो ही रहता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर किससे करूँ. तो पीपल हु आर मोटिवेटिंग पीपल जनरली अप्रोच देम. Always think like I am the best if someone is coming to me to share their problem. Listen to them even if you don't have a solution, but please listen to them. Your one giving time to them will solve their lot of the problem. If you are giving them time, maybe something happening in their mind will come to you and later you can resolve their problem. For the success, I will add, besides self-confidence and positivity, time management is equally important. A student have to plan when and how to do their work. Time management will refer to the completion of their work timely. You can't do everything in hustle and bustle.
You have to be silent by nature, and for getting balance in your life, little bit spirituality also play a role in student life. You have to be spiritual, keep yourself balanced by doing yoga. I am listening to one of the session by Abhivaira Foundation on spirituality in students, and I really admire that session because spirituality in student is very much important. Spirituality means student have to be little bit towards the God belief also. Have a complete belief on God. पहले समय में क्या होता था, हम बच्चों को with this belief कि वहां पर हमारे बच्चे की केयर करेंगे गुरु. Same belief today also we have कि हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी मोरल वैल्यूज के ऊपर कि अगर मेरे बच्चा ठीक है, मेरे बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज मैंने दी है, अगर मेरा बच्चा फॉलोअर है, मेरा पेरेंट्स को फॉलो कर रहा है, तो वो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा देर से या पहले. क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चे को होप होती है ना, वो अपने पेरेंट्स से होती है. सबसे पहले वो पेरेंट के पास जाता है. तो नेवर कंपेयर योर चाइल्ड विद द अदर वन, जस्ट लिसन टू योर चाइल्ड. मोटिवेट योर चाइल्ड दैट टुडे और लेटर यू विल अचीव योर पाथ, यू विल अचीव योर टारगेट, बट कीप ऑन डूइंग योर टास्क विद द कंसिस्टेंसी. अगर आज आप एक प्लेयर को लो, आज अगर वो 10 मीटर की दौड़ कर रहा है, अगर वो 10 मीटर की प्रैक्टिस करते करते ही तो 20 मीटर पे पहुंचेगा, फिर वो 20 मीटर की प्रैक्टिस लेकिन कंसिस्टेंसी से कर रहा है, उसने डेली प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, नेक्स्ट डे वो 40 मीटर पे गया, नेक्स्ट वीक वो 100 मीटर पे गया, विद इन अ वन मंथ उसने कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस को बनाए रखा, तो एक दिन आया, एक मंथ के अंदर वो 2 किलोमीटर रनिंग कर लेता है. तो दिस इज द मेन अचीवमेंट पॉइंट दैट बी कंसिस्टेंट, बी डूइंग प्रैक्टिस, बिकॉज नथिंग कैन बी अचीव्ड विद इन अ डे. फॉर अचीविंग एनीथिंग यू हैव टू गिव योर मैनी नाइट्स विच आर स्लीपलेस. यू हैव टू गिव योर एफर्ट्स टू द 100%. जिन खोजा तिन पाया, ऐसा कोई नहीं है जिसने कोशिश की हो और वो हारा हो. कोशिश करने से ही मंजिल मिलती है. अगर आपने कोशिश ही नहीं की, अगर हम उन फार्मर्स की तरह बन जाएं जिन्होंने अपना सामान ही साइड पे रख दिया कि बारिश तो अब आने वाली नहीं है, तो अगर बारिश आ भी गई तो क्या हमें रिजल्ट्स मिलेंगे? नहीं, क्योंकि हमने तो कोशिश ही छोड़ दी. इसलिए वी हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन आवर पार्ट. हमें पर डे कोशिश करनी है. वी कांट वेट कि एक दिन ऐसा होगा जिस दिन मैं कोई मिरेकल कर लूँगा. नो, मिरेकल कांट हैपन विद इन अ सेकेंड्स. फॉर मिरेकल्स एवरीवन हैज पुट्स द एफर्ट्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट, वी हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, and we have to be motivating, and we have to spread our these qualities with everyone who is in connection with us, so that the person who is approaching us with the hope will definitely get something back. Someone approach you with a single hope will give the rays of hope that you will win or today. Because a ray of hope can start the spark. और वो spark ही चाहिए होता है, बाकी तो वो बच्चा कर ही जाता है. ऐसा कोई नहीं है जिसने मंजिल नहीं पाई. कोशिश करने वाले की हार नहीं होगी, लेकिन कोशिश करवाने के लिए कोई ना कोई मसीह. तो हम सब लोग गुरु हैं. गुरु का मेन काम यही होता है अपने बच्चे को ना उसके अंदर कॉन्फिडेंस को लेके आना. हाँ बेटा, तुम कर लोगे. कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग उसको नर्चर कर सकते हैं बाय आवर सिंपल टेक्निक्स. एंड आवर सिंपल टेक्निक्स इन फर्स्ट स्टेप इज
that we have to make the child comfortable with the us. To all my teachers, I always says, before starting your teaching, before starting your class, kindly make a eye contact with your child. Make them comfortable with you. Comfortable with someone company na, you will learn the things very easily. एक बॉस भी है ना, अगर उसे अपनी टीम से काम चाहिए तो वो पहले अपनी टीम को अपने साथ कंफर्टेबल करे. ऐसा कोई नहीं होगा टीम में जिसके पास कोई आइडिया ना हो, लेकिन वो अपना आइडिया तभी सामने लेके आ सकता है जब वो पहले कंफर्टेबल फील कर रहा होगा. उसको लगेगा कि मेरे आइडिया को कोई एडमायर करेगा, समवन विल लिसन टू मी. तो आप कितनी भी हायर पोजीशन पे हो, लेकिन ग्रैटिट्यूड इज द फर्स्ट थिंग. बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, औरों को छाया नहीं फल लागे अति दूर. इससे कुछ नहीं होता कि हमारी ये पोजीशन है, हमारी ये डेजिग्नेशन है. दीज ऑल आर स्मॉल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड. एक्चुअल इज आवर टास्क, एक्चुअल इज आवर मेन profile which we are doing as gifted abilities by the God. We are very lucky that we have been gifted by the God and we have to make use of our that abilities. भगवान ये नहीं कहते कि हमेशा पूजा करो, भगवान कहते कर्म करो, ऐसा कर्म करो जिससे किसी को अच्छा हो. आपकी ये भी पूजा ही है अगर आप किसी को एजुकेशन दे पा रहे हो, अगर आप किसी के अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट कर पा रहे हो, इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ गॉड प्रेयर. तो प्रेयर्स आर हिडन इनसाइड योर एवरी टास्क. देन दवा से ज़्यादा दुआ काम कर जाती है. तो अगर हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कुछ दुआएँ कमा रहे हैं. हमें रीपेमेंट मिलेगा इन एनी ऑफ द वे. अगर हमें कोई इस समय बीमारी नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो अ रीपेमेंट. वेदर वी आर अर्निंग मॉनेटरी और नॉट, दिस इज नॉट अ बिग थिंग. बट इफ वी आर हेल्दी, दैट इज ऑल्सो एन अचीवमेंट ऑफ द लाइफ. स्टूडेंट्स, यू ऑल कैन डू प्रोवाइडेड यू हैव द विल पावर. येस आई कैन डू एंड आई हैव अ फुल फेथ that you all can do, because we are here to support you, we are here to listen to you. And as an educator, I think we all are always ready to listen to you, we all are always ready to show directions to you. Anytime you can approach us, we feel happy if any of our students progress on their path. This is the results which we get when you achieve your targets. Thank you everyone. I feel very happy to share my views. At the end, I will again say, I can do, be positive, do your tasks with happy note and take it as a profile from the God. No one can stop you to achieve your targets if you are positive in your life. Have self-confidence, have motivation. Nothing is unachievable. Everything is achievable by your motivation and self-confidence. Have a feeling that I can do, then you will definitely do. As for student, I will add one point. Luck is something, but hard work is everything. 80% is your own work which plays and 20% is the luck which plays. So keep doing your tasks and keep moving forward with the spirit. Yes, we are together. Directly, indirectly, we are the role model for each other. And we are learning from each other. We are mutually connected with each other. So health, self-confidence and motivation. Thank you everyone for giving your precious time to me. Myself, Dr. Praveen Kukreja,
Once again, thanks to Abhivaira Foundation.